दोस्तों इनको देखें, ये जवान हैं, ये खूबसूरत हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छी गाड़ियों में बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमेशा खुश रहते हैं। कौन नहीं बनना चाहेगा इनके जैसा, क्योंकि हमारे आपके लाइफ में बहुत ही ट्रेजेडी है। वेल, मजाक से हटके आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि के पॉप कल्चर कैसे फेमस हुआ, क्या ये हमारे भारत में गलत इम्पैक्ट डालता है, और अगर डालता है तो कैसे, और क्या के पॉप कल्चर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। दोस्तों नेटफ्लिक्स के स्क्विड गेम नाम के सीरीज के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जिसने दुनिया भर में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों ये कोरियन वेब सीरीज है जिसको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली। इसको 14 एमीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 6 एमीज अपने नाम किए। साथ ही 2012 में रिलीज हुआ के पॉप सॉन्ग गंगनम स्टाइल के बारे में आपने सुना ही होगा। ये गाना इतना पॉपुलर था कि भारत के शादियों में भी इसको बजाया जाता था। दोस्तों आज के पॉप की पॉपुलैरिटी इस बात से भी बताई जा सकती है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में इसके रील और मीम भरे हुए हैं। दोस्तों आज कोरियन एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। दोस्तों इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर में जब सेपरेटिस्ट ने बॉलीवुड को बैन कर दिया था, तो वहाँ के लोग एंटरटेनमेंट के लिए कोरियन इंडस्ट्री को अपना लिया। बताया जाता था कि कोरियन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट को बर्मा से इनलीगली स्मगल किया जाता था। दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी इस कदर तक बढ़ गई थी कि वहाँ के यंग पीपल कोरियन फ्रेजेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। साथ ही मणिपुर के कई सैलून कोरियन स्टाइल में बाल काटते थे, जो कि के पॉप बॉय बैंड से मिलता जुलता था। इसके बाद ये मणिपुर से नागालैंड जैसे स्टेट में भी फैलने लगा, और आज इसकी पॉपुलैरिटी पूरे भारत में है। दोस्तों भारत में कोरियन एंटरटेनमेंट इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि दोनों देशों का वर्क स्टाइल काफी सिमिलर, जैसे कि कल्चरल सिमिलैरिटीज, फैमिली की इम्पोर्टेंस, नॉर्मल डे इन एशियन फैमिलीज, करी राइस और घर के स्ट्रक्चर भी। साथ ही सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ऐसे कई OTT प्लेटफॉर्म में आप इसको देख सकते हो, और कुछ जगहों पर ये फ्री में भी देखा जा सकता है। कोरियन मूवीज और वेब सीरीज की जो कास्टिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो कि काफी गुड लुकिंग और चार्मिंग होते हैं, और कोरियन एंटरटेनमेंट में आपको कोई भी इंटीमेसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके प्लॉट काफी सिंपल, रोमांटिक और क्यूट होते हैं, जैसा कि वेस्टर्न फिल्मों में वल्गैरिटी दिखाई जाती है। दोस्तों इसकी खास वजह है क्योंकि यहाँ की ज्यादातर राइटर फीमेल हैं। 2019 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 90% कोरियन राइटर फीमेल है। वहीं अगर इसको इंडिया से कंपेयर किया जाए तो यहाँ आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से हैं: हैवी एंड स्मूथ स्किन, वी शेप जॉ, स्ट्रेट आईब्रो, बिग आई और स्लिम बॉडी। इसके वजह से इनके फॉलोअर्स भी इनके जैसा बनना चाहते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में ब्राउन स्किन काफी नॉर्मल है, और इसी ब्यूटी मेजरमेंट की वजह से काफी लोग खुद को हेट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, और कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें बहुत ही पॉपुलर हैं। दोस्तों कोरिया में देखा जाता है कि बच्चा अगर 16 साल का हो जाता है तो उनके पेरेंट्स उनको गिफ्ट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए। दोस्तों आज इंडिया में कोरियन स्किन केयर का मार्केट $2,251 मिलियन का हो गया है। साथ ही कोरियन ड्रामा में यूज होने वाले फूड्स आज इंडिया में काफी पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे कि कोरियन स्ट्रीट फूड। दोस्तों जितना ये दिखने में बहुत ही फैंसी होता है, उतना ही हेल्थ में गलत इम्पैक्ट करता है। दोस्तों ये बात करते हैं क्यों आने वाले समय में के पॉप खत्म हो सकता है। दोस्तों इसको कहने की वजह है क्योंकि कोरिया का बर्थ रेट बहुत ही तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। दोस्तों पिछले 10 सालों से कोरिया का बर्थ रेट आधा हो चुका है, क्योंकि 2020 में कोरिया में सिर्फ 2.5 लाख बच्चे पैदा हुए हैं, और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि के पॉप से इससे क्या मतलब, क्योंकि जितने कम बच्चे उतना ही के पॉप कंपनीज के लिए कम टैलेंट, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले समय में कोई भी नया के पॉप आइडल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन के पॉप को बचाने के लिए कई के पॉप के लीडर्स के लिए कई सारे स्टेप ले रहे हैं, जैसे कि SM एंटरटेनमेंट कई यंग टैलेंट को अपने कंपनी के साथ जोड़ रहा है। जैसे कि ये बच्चा 2009 में पैदा हुआ है और ये सिर्फ 11 साल का है। दोस्तों ऐसा करने से कोरिया की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये SM एंटरटेनमेंट को बाकी कंपनी से बेटर पोजीशन दे सकता है। वेल, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।